तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है जो एनसीपीसी में लिस्टेड है। मार्केट कैप है 39,333 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 3724 रुपये और हाई लगा चुका है 4319 रुपये का और लो है 2923 रुपये का, यानी 2923 रुपये का। स्टॉक पी 33, बुक वैल्यू 469, कंपनी डिविडेंड एल प्रोवाइड करती है 0.67% का। ROC है 33%, ROE है 25%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है और प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.029 और एनुअल प्रॉफिट है 1174 करोड़ का। डेब्ट है 454 करोड़ और रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.7%। इंडस्ट्रीज पी 32 और EPS 111 रुपये। फ्री कैश फ्लो 1132 करोड़ का है तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है अच्छा 1132 करोड़ का और डेब्ट है, कर्ज है 454 करोड़ का। मतलब कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी के पास कर्ज नहीं है, प्लस परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। तो स्टॉक पी है 33 और इंडस्ट्री पी भी 32 है, लेकिन अभी क्या है कि हाँ कुछ दिनों से आईटी सेक्टर तो ऐसे रिटर्न नहीं बना करके दे रहे हैं, लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लूज है अभी के टाइम में आईटी सेक्टर, लेकिन आपको इस बात को हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो भी आईटी सेक्टर में है, डिजिटल मार्केटिंग आईटी सेक्टर के अंदर है, तो अभी हाई डिमांड होने वाला है। कभी क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर के ऊपर मैक्सिमम लोग का काम काज चल रहा है। जो लोग ऑफलाइन बिजनेस जुड़े हुए थे वो आज ई कॉमर्स की तरफ अपने रुख बढ़ा रहे हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन सेलिंग किया जा रहा है हर एक चीज़। तो आपको क्या लगता है, आईटी सेक्टर ख़त्म होने वाली है? कभी नहीं ख़त्म होने वाली, और बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोई भी अगर आदमी ना, कोई भी कंपनी अगर ऐड चलाना चाहता, अपना ऐड दिखाना चाहता है, तो TV पर कम चल रहे हैं ऐड और बैनर ऐड कम चल रहे हैं, बल्कि आजकल गूगल पे नेट पे ऐड चलाए जा रहे हैं। पहले मकान बनते थे वो ड्राइंग वाले डिजाइन से, ठीक है, उतने प्रचलन नहीं थे, लेकिन आजकल जो भी स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो सारी 3D 2D 4D में आ चुकी हैं। सिस्टम के अंदर आपको पूरा हूबहू दिखेगा वैसा। ऐसी ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है, ये आईटी सेक्टर ख़त्म होने वाला? बिल्कुल नहीं, आने वाले टाइम में और भी हार्ड होने वाला है, लेकिन अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि स्टॉक ना इस वजह से नीचे आ रहा है क्योंकि सभी आईटी सेक्टर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। जब सभी नहीं अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली नीचे आना है। जो अच्छी कंपनी रहेगी उसे अगर नीचे के लेवल पे कैप्चर करते गए, जैसे कि मेरा मानना है कि इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो का, आपका जो भी पोर्टफोलियो, उसका 2-3% हिस्सा इस स्टॉक को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो जब नीचे के लेवल पे मिले वही हमारा अपॉर्चुनिटी होता है। भागते समय तो बिल्कुल नहीं कैप्चर करना चाहिए। बहुत सारे लोग जब स्टॉक भाग रहा होता तब बाई करते हैं और उस दौरान स्टॉक के अंदर रिटर्न बन गया रहता है और वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट होता है। जो लोग प्रॉफिट कमा लिए रहते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इस वजह से स्टॉक नीचे आने लगता है, तो उस दौरान लोग बाई करते हैं और डेफिनेटली ऊपर के लेवल पर बाई करते हैं तो लॉस लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोग नीचे के लेवल, अच्छे स्टॉक को नीचे के लेवल पर बाई करना पसंद नहीं करते। बोल डरते हैं, अरे यार और नीचे चला गया तो क्या होगा। भैया और नीचे जा रहा तो उसे एवरेज करो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब फंडामेंटली ख़राब हो गया और रिटर्न नहीं बना करके देगा। फंडामेंटल अच्छा है तो डेफिनेटली रिटर्न बना करके देगा कंपनी आपको। और चलते फिर हम लोग प्रॉस की तरफ। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 24%। कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट 33% का हेल्थी डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर का ये स्टॉक है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो मार्च
2023 वाला रिजल्ट आ चुका है इस कंपनी का, और देख सकते हो 449 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को, दिसंबर में 441, सितंबर में 419, जून में 401, लेकिन मार्च 2023 वाला क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, हर क्वार्टर के अपेक्षा अच्छा रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 311 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है मार्च 2023 वाले क्वार्टर में, दिसंबर 2022 वाले में 305, सितंबर में 283, जून में 275 और मार्च में 263। अगर प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो टीडीएम में 1711 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, 2022 में 1415, 2021 में 1007 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो कंपनी ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1174 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को 2023 में, 2021 में, 2022 में 961, 2021 में 666। तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट ला रही है ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे भी। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 27% का डिविडेंड पे आउट की कंपनी ने 2023 में, 2022 में 39 और 2021 में 35, 2020 में 27% का कंपनी डिविडेंड पे आउट की है। तो मैक्सिमम कंपनी डिविडेंड 35-39% का ही डिविडेंड पे आउट करती है, उसके नीचे का ही डिविडेंड पे आउट करती है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 16%, 3 साल में 13%, टीडीएम में 22%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 18%, 3 साल में 13%, टीडीएम में 25%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 साल में 24%, 3 साल में 46% और 1 साल में -5%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 5 साल में 27%, 3 साल में 24%, लास्ट ईयर 26%। अगर बैलेंस शीट चेकआउट करें कंपनी की तो इनके पास रिजर्व है 4930 करोड़ का, और इनका रिजर्व हर साल आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। वहीं फ्रोविंग यानी कर्ज है 454 करोड़ का, और 2022 मार्च 2022 में इनके पास 477 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, अभी थोड़ा सा घटा है। कैश फ्लो की हम लोग बात करें तो 1305 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है, अच्छा खासा कैश फ्लो है कंपनी के पास, 290 करोड़ नेट कैश फ्लो कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.85% की होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। FIIS के पास 6.69% की होल्डिंग है, और DIIS के पास 8.11% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 11.06% की होल्डिंग है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दें, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है LNT टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, और LTTS भी इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इज इन एन इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, ऑफर्स इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ERD&D एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन टू कंपनी इन द एरिया सच एज ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक, मेडिकल डिवाइस एंड प्लांट। तो इस कंपनी का मेनली काम क्या है कि किस जो भी डिजिटलाइजेशन कंपनी करती है, किस किन किन एरियाओं में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रियल एरिया, प्रोडक्ट में, टेलीकॉम एंड हाईटेक, मेडिकल डेवलपमेंट एंड प्लांट्स वगैरह में ये डिजिटलाइजेशन का काम करती है। इंजीनियरिंग LTTS कस्टमर बेस्ट इंक्लूड 69 फॉर्च्यून और 500 कंपनीज एंड 53 ऑफ द वर्ल्ड टॉप ER&D कंपनीज। द बिजनेस आल्सो प्रोवाइड डिजिटल इंजीनियरिंग एडवाइजरी सर्विस
द कंपनी वेंट रिपब्लिक एंड सितंबर 2023 और 2016 सितंबर सॉरी 23 2016 LTTS है 296 ग्लोबल क्लाइंट इन 25 कंट्रीज। तो इनके पास 296 ग्लोबली क्लाइंट है यानी इंटरनेशनल क्लाइंट है और 25 हमारी कंट्री यानी इंडिया से हैं। ये टॉप लेवल के क्लाइंट होते हैं। अभी अगर हम लोग रेवेन्यू की बात की जाए, रेवेन्यू स्प्लिट की बात की जाए जियोग्राफिकल, तो देखो नॉर्थ अमेरिका से 63% की रेवेन्यू आती है, यूरोप से 16, इंडिया से 13 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 8% की। मतलब देख सकते हो अपने कंट्री यानी डोमेस्टिक से बहुत कम रेवेन्यू आती है लेकिन नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आती है। रेवेन्यू स्प्लिट सेगमेंट वाइज ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टाइजेशन से 35% की रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 19, टेलीकॉम एंड हाईटेक से 19, प्लांट इंजीनियरिंग से 16, मेडिकल डिवाइसेस से 11% की रेवेन्यू आती है। टॉप 10 क्लाइंट इन कंट्रीब्यूट टू 27% ऑफ रेवेन्यू। तो इनके जो टॉप के क्लाइंट है 10, वहाँ से 27% की रेवेन्यू आती है। और देखो सोल प्रमोटर लेजर LNT लिमिटेड होल्ड ऑफ 23.92% स्टेक इन द कंपनी। द प्रमोटर स्टेक वाज रिड्यूस्ड बाय 16% बिटवीन मार्च 2018 एंड मार्च 2022। और आप देख सकते हैं सुबह ये बिल्कुल हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर खोल रखे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज से ये स्टॉक है तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखना ही सही रहता है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर रेड कैंडल बना रहा है तो ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है चांस है 3441 रुपये के प्राइस तक आने का। लेकिन ये स्टॉक ना बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के करीब है और बहुत ही जल्द इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट क्या मिल सकता है, टारगेट ये मिल सकता है 4957 रुपये का। या पहला टारगेट रहेगा 4711, उसके बाद 4951 रुपये, 4976 रुपये का टारगेट रहेगा। तो बिल्कुल अपने स्टॉक ना अपने करेक्शन में मिल रहा है, ये नहीं कि ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है, बिल्कुल अपने करेक्शन में मिल रहा है, सपोर्ट में मिल रहा है। ये स्टॉक हम रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को। तो आप इस स्टॉक को यहाँ कहीं बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना है तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं।